जबरदस्त बीफ है, जबरदस्त बीफ पुलाव, शौकत पुलाव। हरियाणा बादशाह जाना जाते हैं मुल्तान में। हम तो डेली यहाँ आते हैं खाने जी जी। तो अभी हम लोग मौजूद हैं शौकत बिरयानी गुलटेक्स तरीन रोड पर। मुल्तान शहर की बहुत ही मशहूर बिरयानी ये मानी जाती है, पुलाव होता है बिरयानी होती है। तो अभी ये ताज़ी देख लेके आए हैं बिरयानी की, और खुशबू है जो है वो फैलनी शुरू हो गई है अभी से। पूरे जो यहाँ पर महक आ रहा है बिरयानी का बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो अभी जो है ना हम लोग इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएँगे कि कैसी है। दूसरी देख यहाँ पर रखी जा रही है पहली देख की जगह पर। और ये ज़बरदस्त है, लो जी देख आ गई। ओहो ज़बरदस्त, ये बीफ वाली है या बीफ है? ज़बरदस्त बीफ पुलाव, शौकत पुलाव। बिरयानी की दुनिया के बेताज बादशाह जाना जाती है मुल्तान में। बाकी इनको ढूंढने में हमें काफ़ी मुश्किल हुई है, पूरा मुल्तान हम लोग फिरते रहे हैं। इतनी कॉपी बनी हुई है शौकत बिरयानी की बड़ी मुश्किल से जी, हमें बड़ी मुश्किल से मिली है यहाँ पर जो ओरिजिनल वाली इनकी शौकत बिरयानी है। बिरयानी यहाँ से कस्टमर अपनी लेते हैं और अपनी मर्जी से रायता डालते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, यहाँ पर खाते हैं। जिन्होंने घर लेके जानी है वो घर ले जाते हैं। बड़ा एक अलग सा माहौल है, ज़बरदस्त है। यहाँ पर रायता जो है उसमें प्याज डाला गया है और बड़ी ज़बरदस्त सा इसको तैयार किया हुआ है। यहाँ पर टिक्कियाँ जिसे हम लोग बोलते हैं वो भी होती हैं, पुलाव के साथ ये लोग देते हैं बड़ी ज़बरदस्ती। ये चिकन वाली हैं या चिकन? ये चिकन वाली हैं, ज़बरदस्त। तो ये अंकल जी बिरयानी इनकी खा रहे हैं, इनसे भी हम लोग पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है अंकल जी? ठीक। आप माशाल्लाह इधर खड़े हुए इनका पुलाव खा रहे हैं, क्या खासियत है इनके पुलाव में? आप इतने दीवाने हैं? आज आज से नहीं, काफी अरसे से खा रहे हैं। अच्छा जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप किधर से हैं? आप मुल्तान से? मुल्तान से ही हैं। तो ये आप शौकत वाली पुलाव आपने ट्राई किया तो कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त लगा। अच्छा, तो ये हम तो डेली यहाँ आते हैं खाने जी जी। तो अभी हमारे साथ ओनर हैं शॉप के, इनसे अभी हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर? अल्लाह करम, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा इतना रश लगा हुआ है, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या वजह है इसकी आपकी? माशाल्लाह दुकान पे बहुत रश होता है। इसकी वजह हमारा मियार है, बेहतरीन मियार, हम अच्छा मियार इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारे अच्छे मियार में अच्छा कर्नल के चावल हैं, अच्छा गोश्त है, बड़ा घी हम इस्तेमाल करते हैं, सूफी घी या सुल्तान घी, ज़बरदस्त। इसके अलावा और कोई घी इस्तेमाल नहीं करते। हमारी अच्छी से अच्छी ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें ताकि ग्राहक हमसे इतना मुतमईन हो सके। ज़बरदस्त। तो कितनी देर से आप लगा रहे हैं ये पुलाव और ये बिरयानी? ये मेरे वालिद साहब लगा रहे हैं 20 साल से। उनका नाम मोहम्मद शौकत है, इस टाइम वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। 20 साल से वो लगा रहे हैं, इससे पहले हमारी दुकान थी बोर गए। इस टाइम भी मुल्तान में 3-4 ब्रांच है लेकिन वो सारी फेक हैं। हमारी जो ओरिजिनल ब्रांच है इस टाइम वो गुलटेक्स शोरूम तरीन रोड पे वाकई है, बड़ी 60 CSP है, इस रोड पे तरीन रोड पे गुलटेक्स साथ है। इसके अलावा चौक फौरा भी है, रफायन स्कूल के साथ भी है, साथ में सारी फेक हैं। हमारी जो ओरिजिनल दुकान है इस टाइम वो तरीन रोड गुलटेक्स पे वाकई है। ठीक।
तो नाज़रीन आज हम पहुंच चुके हैं ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से इनकी जो असल शॉप है मुल्तान के अंदर एक ही है और ये मौजूद है नज़ गुलटेक्स शोरूम तरीन रोड मुल्तान में। चेक करके बताएंगे कि कैसा टेस्ट है। बहुत मज़ा आ रहा क्या है सही ना बिरयानी इनू कह लो फलाह कह लो ये जिदा किसी दौर घर असं बनाते थे ना बिल्कुल नैचुरल कोई इसमें वो काली मिर्ची या मसाला नहीं है सादा पुलाव और उसके ऊपर चावल और प्याज क्या छोटी छोटी तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार ये देखें बिल्कुल इनका जो बीफ है ना वो तो रेशम की तरह है रेशम वैसे है ना हम अभी जो लोग और खा रहे हैं उनके भी यूज़ लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आपको पुलाव इनका? बहुत अच्छा लगा कम से कम जो है ना 15 साल हो गए इधर आ रहे हैं। अच्छा जबरदस्त। पहले इनकी ना बॉर्डर की दुकान थी जी। उसके बाद चलते चलते यहाँ पे आ गई है तो ये यहाँ पर आलू कचालू की चाट बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्ती। भैया इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं? आलू और कचालू और फूट। आलू कचालू और फूट ज़बरदस्त। ये मुल्तान में है बोर्ड गेट मुल्तान में है ये मौजूद है यहाँ पर ये रेडी लगी हुई है। अच्छा जी ये जो आलू कचालू की चाट यहाँ तैयार होती है उसमें ये चीज़ें डलती हैं यहाँ पर ये आलू है जी ये फूट है ये फूट है कचालू है ये जो सब्जी होती है अरबी उसका समझ लें ये है ना बड़ा भाई है ये जो कचालू है ना इधर लगा हुआ है ये कचालू कचालू ये अरबी का बड़ा भाई है।
वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना अर्सा हो गया जी आपको? ये 1998 से लगा रहे हैं। और क्या खासियत है? बस ये है कि खालस इमली आलू बुखारा ईरानी अच्छा वाला और चीनी का इस्तेमाल है तो अच्छे अंदाज से जिस तरह बनाना चाहिए नेचुरल तरीके से उसी तरीके से बनाते हैं। तो लोग प्यास की वजह से यहाँ रुकते हैं तो वो उनको अच्छा लगता है, वो मुस्तकिल फिर कस्टमर बन जाते हैं कि दूर दूर से लोग मेरे पास इस चीज़ को पीने के लिए स्पेशल तौर पर आते हैं। सुबह आपकी टाइमिंग क्या है? सुबह हम 10:30 बजे आते हैं और रात 8 बजे वापस जाते हैं। जी जी। ये अब्दाली रोड है? अब्दाली रोड है, नज़्द चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है। जी जी जी।